वेलकम बैक वंस अगेन जागो दुनिया आप देख रहे हैं सुंदर जमील और फारूक हसन के साथ तलत हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जेनिफर भी हैं जेनिफर आप हमारे साथ आपने कब मॉडलिंग शुरू की मैंने 2007 में स्टार्ट की थी 2007 सो यू आर फ्रॉम द एक्सट्रीमली न्यू जनरेशन एक तरफ हमारे पास इतना एक्सपीरियंस का समंदर मौजूद है बस हा? मैं तो बहुत खुश हूँ बिगेस्ट फैन अच्छा <laughs> और आज मैं बहुत खुश हूँ मैं इनके सामने बैठी हूँ जिन्हें कभी टीवी पे देखा था आज वो मेरे सामने है मुझसे तो हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं कुछ बात करूं। का मकसद, हो मकसद हो <laughs> पूरा हो गया पूरा हो गया अच्छा क्या क्या काम आपने अभी तक सॉन्ग वीडियोज किए हैं शूट किए हैं अभी रिसेंटली तो मैं एक्टिंग की तरफ ज्यादा हूँ मैं एक्टिंग करूं अच्छा और यही एक शौक है कि इनकी तरह मैं भी कुछ बन सकूँ थोड़ा कर सकती हूं। हाँ। जो ये बिल्कुल बता कर सकती हूं बिल्कुल कर सकती हूं, कर सकती हूं। अगर कर कर मुझे भी अच्छे लोग मिले वो इनकी बात है कि अब माहौल चेंज है सब कुछ चेंज है सही तो बच्चा अच्छी टीम मिल जाए तो मैं भी बिल्कुल एक्टिंग की तरफ जाना चाहती हूँ मॉडलिंग के अंदर तो आ गई हूँ लेकिन ऑब्वियसली एक कोई आपका रोल मॉडल भी होगा जिसको आप देखती होगी कहती होगी यार मैंने इसको बीट करना है या एटलीस्ट मैंने इस लेवल तक पहुँचना है नहीं, पसंद नहीं कौन है, पसंद ले? कौन है चलिए पसंद मुझे इंटरनेशनली डायरा बैंक बहुत पसंद है हाँ। अपने मुझे, लोकल में बहुत, बहुत इंस्पायर्ड हूँ मुझे बहुत पसंद है नहीं लेकिन मुझे लोकल में बताओ दे इतनी सारी हमारी है लोकल में सभी अच्छी है इरज है और कितनी है मतलब सुनीता मार्चन है इरज मुझे पसंद है इरज पसंद है इमान अली मुझे पसंद है चलो अच्छा। <laughs> गुड यार विश के माशाल्लाह तुम भी उस फेरिस में आ जाओगी जल्दी अच्छा पहले साहब मतलब ये पेट जुमला होता है ना मैंने आपको बचपन से देख रहा हूँ कभी खान साहब एक दिन हमारे शो में आए तो उनको एक सफेद दाढ़ी वाले शख्स ने कहा मैं भी आपको देखता हूँ बचपन से मैं तो आपको देख के बड़ा हूँ तो वो कहते हैं मतलब तुम तो खुद सफेद दाढ़ी वाले हो तो तुम तो खुद मेरी उम्र के कभी आपके साथ इस तरह हुआ है मुझे लोग कहते हैं आई डोंट माइंड यू डों एक तरीका होता है लोगों का आपको आप आपको एडमायर फ्रॉम चाइल्ड हुड भाई आप कमाल तमाशा कर बताऊं मैं आपको कि मुझे तो ऐसे भी लोग मिले हैं हाँ। कि दो एक जिंदगी में, में मेरे इंसिडेंट हैं कि उन्होंने साफ इनकार कर दिया पहचानने से कह लेकिन हम तो नहीं जानते कौन है अच्छा तो आई कि जिन साहब ने मुझे मिलवाया मैंने उनसे कहा मैंने कहा भाई तुम

मुझे <laughs> तो तो ये बताएं कि आपने एक बड़ी अच्छी आर्टिस्ट हमारे इंडस्ट्री को दी आपकी साहबजादी फिर उन्होंने बिल्कुल नजर ही नहीं ड्रामाज में आया हमने देखा बहुत अप्रिशिएट किया लोगों ने हाईली टैलेंटेड गर्ल वो पेंटिंग वगैरह में और डिजाइनिंग में भी उतनी ही अच्छी है और शी वॉन्टेड टू एक्ट्राइज इट हम प्लीज को है फिर उसके बाद शी गॉट मैरिड तो उसने ये तय किया कि माई चिल्ड्रन मोर इंपॉर्टेंट she so she just stopped because is a very time consuming uh, profession. But talented. On ne, is, there's okay. no doubt about it. उनका पहला play मैं उसने उस वक्त देखा जब मैं एक प्रोग्राम एडिट कर रहा था अपना ड्रामा एडिट कर रहा था जो मैंने डायरेक्ट किया था तो वो चल रहा था तो आई who she was. Hmm. So वो फिर हंस पड़ा वो एडिटर कहना लगा सर आपकी साहबजादी हैं तहसीम तो मैंने अठहरों होल्ड करो मैं करीब किया जागे देन आई रियलाइज बिकॉज शी इज प्लेंग वेरी of um, of the earth hmm. character kind of thing. Hmm. So I, so मुझे पता ही नहीं था कि ये काम कर रही है अच्छा तो आपने जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स में काम किया यूके में आपने बहुत काम किया उसके अलावा आपने इंडियन मूवी भी एक की सौतन की सौतन बेटी, की बेटी सौतन, सौतन की बेटी की फिर आपने जिना मूवी में भी hmm. काम किया वो भी एक इंटरनेशनल प्रोडक्शन थे अकबर साहब के जी हाउ वॉज द ओवरऑल एक्सपीरियंस जब आपने तीन मुख्तलित जगहों में इंडिया में भी आपने कहा मैं, देखी मैंने इंग्लैंड में तो मैं खैर पढ़ाई और वहाँ पढ़ाया वहाँ पे आपने और ठीक है इंडिया में भी काम किया मैंने इंडिया के साथ जहाँ भी अभी रिसेंटली कुछ काम किया है उनका कोलालमपुर में इनकी टीम आई थी काम करने की ठीक है मैंने यूरोप में भी काम किया है ठीक नॉर्वे में उनकी क्या फिल्म की थी मैंने उनकी नॉर्वेजन फिल्म की थी और फिर जना फिल्म जी जना तो खैर वो तो जाहिर ऐसी बात नहीं है मतलब कि प्रोफेशनली इंडियंस आर मच है बिल्कुल ओके okay, मैं आपको बताऊं मेरी इसी बात पे झगड़े भी हो जाते हैं बाज दफा और नाराजगी भी हो जाती है मुझे ये बात समझ ही में नहीं आती कि सुबह 10 बजे से शूटिंग क्यों शुरू नहीं हो सकती क्योंकि इसी मुल्क में इसी शहर में पी में हम साढ़े नौ बजे ड्रामा शुरू किया करते थे एक स्टूडियो था क्योंकि साढ़े छह बजे तक पचास मिनट का ड्रामा खत्म कर देना होता था हमको पूरा so, रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड खत्म इसलिए कि छह बजे के करीब वहां से वो बराबर में स्टूडियो था वहां से फिर खबरें शुरू होने ये सिर्फ yeah. तब हो सकता है अगर आपको स्क्रिप्ट याद हो एग्जाम्पल दिया प्रोफेशनल अप्रोच थी दे वर प्रोफेशनल पीपल आई मीन लुक एट दीपल हुट दैट टाइम हैंडलिंग टेलीविजन असलम अजहर साहब थे जमान अली खान साहब थे प्रोड्यूसर्स में मोशन अली इशरत अंसारी वक्त है ना कमर आफ्ताब मरहूम जो रीसेंटली जिनका इंतकाल हो गया तो डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल ऑल टुगेदर डिफरेंट रेट हाँ वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ लोग थे और उस उन्हीं के चलते चलते आज तक आ रहे हैं जिसमें अब तो बड़े बड़े नाम आए आपके सामने टेलीविजन पे प्राइवेट प्रोडक्शन में भी हैं लेकिन वो वही लोग हैं जिन्होंने के कि बाइनो दम आई कैन नेम देम आपके यहाँ टेलीविजन पर इस वक्त कासिम पाशा है शाहिद पाशा है अली रिजवी है आ, कराची जो टेलीविजन पे हैं उस तरफ दूसरी तरफ वहाँ चले जाए तो वहाँ तो तीन चार लोग हैं मतलब सबसे बड़े तो वही थे अपना निसार साहब मोहम्मद निसार बाद वहां और लोग हैं इसी तरह से आप प्राइवेट साइड पर निकल जाए अगर जाकर तो कौन कौन नहीं है फिल्म hmm. से तो आए हुए लोग हैं ही हैं ना सुलू hmm. भाई द बेस्ट एरेक्टर्स आई हैव है दुनिया में मैंने काम किया भाई मैं उस पूरी अथॉरिटी से कह रहा हूँ इज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स यू हैव इज दी बेस्ट यंग टैलेंट में आप है ना अच्छा उधर वो थे अपने जावेद फाजिल साहब नए hmm. डायरेक्टर्स में, hmm. 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 Not, में मैं ही कहूंगा मैं तो तुमने आरिफ खान अगेन ट्रेन फ्रॉम दी फिल्म ठीक है ना अच्छा उवैस खान ये, ये सब लोग हैं बहुत अच्छे है, कर कर हैं बिल्कुल तो। नए डायरेक्टर्स में अहमद कामरा लड़का बहुत अच्छा है वेरी गुड तो मतलब ये तुम तो सब आते रहते हैं जाते रहते हैं बात ये कि मेरी समझ में नहीं आता कि मैं किस तरह से इन बातों को आपको एक्सप्लेन करूं क्योंकि इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए आपके पास इतना वक्त नहीं नए एक्टर्स में कौन पसंद है आपको जो आजकल भाई सारे एक्टर्स अच्छे हैं मैं ये तकल्लुफर नहीं बता रहा हूँ आपको मिसाल के तौर पर क्या वैसे रिप्रेजेंटेटिव एक्टर्स अगर हाँ। आप पूछना चाहते हैं तो आप वो नई नस्ल का तो नहीं रहा लेकिन फॉर हिज ओन जनरेशन हिज ओन जनरेशन शबीर खान शबीर जान, शबीर जान, जान, शबीर जान, जान, जान। हाँ। उसके बाद जिन लोगों ने जिनमें डेवलपमेंट मैंने देखी हाँ। है, हाँ। है, मैं उनका जिक्र हाँ। कर रहा हूं मिजाज असलम ठीक जब आया था उस वक्त कुछ और थे वो अब कुछ और हैं वो बाकायदा एक प्रोग्रेस है फैसल फैसल कुरैशी हमायू सईद हमायूं सईद डेफिनेटली मतलब हमायूं सईद वगैरह निकल गए ना नौजवान तो नहीं रहे ना ठीक ठीक आप तो बिल्कुल ही नए लोगों की बात कर रहे हैं सही हैं। सही, सही, सही अब जो नए डायरेक्टर्स बाबर हैं बाबर है। जावेद बाबर जावेदर उस वक्त बहुत छोटे थे अब तो माशाल्लाह वो सही बहुत छोटे से मुरादी आदि इस वक्त इतने जाने नहीं जाते थे अब माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं बहुत अच्छे डायरेक्टर द इंडस्ट्री एंड लेकिन होता क्या है होता क्या है अजीब अजीब चीजें हैं आपके यहां नौ की hmm. बजे की कॉल है बारह बजे के करीब लोग आना शुरू hmm. बस वो अगेन पंक्चुअलिटी नहीं आई थिंक वी वी शुड शुड पंक्चुअलिटी की बात नहीं यू सी ती इट इज बेसिकली दी सेंस ऑफ कमिटमेंट एंड आई टेल यू वेरी ऑनेस्टली आई हैव नो कंप्लेट्स व्हाट्स एवर एज फार एज द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस आर कंसर्न नो कंप्लेंट्स उनको जो टाइम आप देंगे अगर आप खुद पाबंद हैं तो वो सब वहां मौजूद होंगे जबरदस्त प्रॉब्लम ये है कि आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी प्रॉब्लम है hmm. मतलब एक किसी को ये है मैं आठ बजे के बाद रात को काम नहीं करता hmm. वो कहते हैं जी आठ बजे ये कहते चले जाते हैं काम नहीं करते hmm. अच्छा यही डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स जब इंडियन स्टार्स को लेते हैं hmm. तो उनको नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते hmm. वो आप पांच बजे यूं देखते हैं घड़ी और कहते हैं मेरी कार आ गई तो इनको भाई मैं तो कहता हूं कि भाई ये बातें करने से पहले सोच दो लो कि तुम कह कह रहे हो तुम अपने प्रोफेशन के साथ कर कह रहे हो बिल्कुल सही बिल्कुल सही अच्छा नौ बजे आप क्यों नहीं सुबह शुरू कर सकते आई थिंक दिस इज एन ऑन गोइंग डिबेट एंड आई थिंक वजी बहुत सारी सवाल से बातें कर सकते हैं वक्त कम था तलत साहब इट अ प्लेजर है इन शाला तला फिर आपको दावत देंगे चटपटे सवाल और भी बहुत सारे कर रहे थे वक्त की कमी की रहे थे ठीक था बहुत लंबी हो बहुत लंबी हो बट थैंक यू सो मच थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक जेनिफर आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेस्ट ऑफ लक और आपके लिए बड़ा ऑनर है कि आप तलत साहब के साथ बिल्कुल सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई माशाल्लाह ठीक है बिल्कुल और भाई ब्रेक में अब तो नहीं हुआ मौका लेकिन मैं रिकॉर्ड करके ना फिर अगले सेगमेंट के लिए चला लूंगी इनशाला अपना ख्याल रखिएगा दुनिया हो गया छोड़िए